डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और ये लिमिट की एक्सरसाइज है 13.1, बुक है एनसीईआरटी, क्लास है 11। तो इसको बेस बनाते हुए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उन्हें करेंगे। अगर आप लिमिट की फंडामेंटल डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करें और आप देखेंगे कि लिमिट का डेवलपमेंट कैसे होता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x+3, अगर एक्स 3 की तरफ जाएगा तो ये फंक्शन किसकी तरफ जाएगा, तो ये फंक्शन जाएगा 3+3 6 की तरफ जाएगा। बहुत सिंपल है ये काम, बिल्कुल आसान है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप लिमिट का बेसिक डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करें। दूसरा केस, और इसमें अगर आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इसको स्किप करके आगे के क्वेश्चन में चले जाएं जहां से आपको डिफ़िकल्टी ज़्यादा महसूस होती हो। एक्स अगर पाए की तरफ जाता है तो ये किसकी तरफ जाएगा, तो इट विल टेंड टू पाए माइनस पाए, क्योंकि ये भी किसकी वैल्यू है, पाई की। तो इसका आंसर हो गया आपका 0। अगर आर 1 की तरफ जाता है तो पाई आर स्क्वायर किसकी तरफ जाएगा, तो ये जाएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर, यानी पाई की तरफ। तो ये इसका आंसर है। अगर एक्स 4 की तरफ जाता है तो ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 4 × 4+3 अपॉन 4 − 2। 4 × 4 = 16 + 3 हो जाएगा 19 / 2। ये अगर x -1 की तरफ जा रहा है तो ये एक्सप्रेशन किसकी तरफ जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना, x की जगह -1 रखना है, −1 to the power 10, −1 to the power 5 + 1 अपॉन −1 − 1। −1 to the power 10 इज +1 पावर इवन, प्लस −2 to the power odd − +1 अपॉन में कितना आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये −2 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में अगर आप x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास आउटकम 0/0 हो जाएगा, आउटकम हमारे पास 0/0 हो जाएगा। तो इसको करने के कई तरीके हैं दोस्तों। तो कई तरीकों में से एक तरीका तो जो सिंपल है कि इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दी जाए और बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन करें और इवैल्यूएट कर लें। दूसरा है कि इसमें एक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला वैसे भी अदरवाइज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो फार्मूला इस तरह से है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए x^(n − a)^(n)/(x − a) इज इक्वल टू एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। ये फार्मूला है, ये लिमिट का फार्मूला है। ये कैसे आता होगा, तो इसको आने के लिए भी एक ट्रिक है कि आप x^(n − a)^(n) का फार्मूला लगा दें। तो वो फार्मूला क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ मैं उसका फार्मूला लिख रहा हूँ, यूजुअली सब बच्चों को पता नहीं होता है, ये फार्मूला है वो जो मैं लिख रहा हूँ, ये फार्मूला है। ये मैं रब कर देता हूँ जगह की कमी के कारण, जगह सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। ये वो फार्मूला है, ये आप अदरवाइज भी यूज़ कर सकते हैं। x³ − a³ तक का एक्सपांसन आपको आता है, x^(4 − a)^4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, सब में आप इस तरीके का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला आप अपने रिकॉर्ड में भी रख ले, x − a। ये हम इसके डेरिवेशन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को अभी देखते हैं। ये x − a से x − a कैंसिल हो गया। अब x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे दोस्तों, x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा a^(n−1) a^(n−2)a a^(n−3)a² up to a^(n−1). ये क्या चीज़ है, पहली है a^(n−1), इसमें पावर ऐड हो जाएगी तो इट बिकम्स a^(n−1),
इसमें भी पावर ऐड हो जाएगी a टू द पावर n माइनस वन। ये कब तक होगा? तो इट विल हैपन अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक होगा। तो अगर ये n टर्म्स तक होगा तो द आउटकम विल बी व्हाट? इसका आउटकम हो जाएगा n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। तो ये डेरिवेशन पे हमारा फोकस इसलिए ज़्यादा था क्योंकि कई क्वेश्चन हमको इसके आएंगे, कई क्वेश्चन हमको इसके डिस्कस करने हैं जो इसी पे बेस्ड होंगे, इसलिए ये आपको जानना ज़रूरी था। हमने इसे प्रूव किया, अब आप अपने दिमाग में रखेंगे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 5 और उसमें हम इसे अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब सवाल उठता है कि अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए फिर से मेरी बात सुनिए, तब पहला तरीका था कि बाइनोमियली इसको एक्सपांड कर दें, दूसरा तरीका था कि इसमें वो फार्मूला अप्लाई करें जो मैंने आपको लिख के बताया था, ये x माइनस ए इंटू दिस, तो ये फार्मूला अप्लाई करें a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 में। तीसरा तरीका ये है कि अब ये रिजल्ट अप्लाई करें। तो रिजल्ट अप्लाई करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको? आपको यहाँ पर ऐसा बनाना पड़ेगा या ये बनाना पड़ेगा, यहाँ इनका इनका डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ x किसको मान लेते हैं? तो ध्यान से देखिए, यहाँ x हम क्या समझते हैं, ये x है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? नीचे देखिए आप, x माइनस ए है, हम इसको x मान लेते हैं, कैपिटल x, फॉर अ मोमेंट इसको समझते हैं कि ये कैपिटल x है। तो a कौन है हमारा? a हमारा पा हमारे पास है ये हम इसको मान लेते हैं ये कैपिटल a है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए? x माइनस ए, यानी दिस माइनस दिस। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ ऐसा लिख सकते हैं। देखो आप, x टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5, ये तो केवल पहचान के लिए लिखे थे, इसको आप रब कर दीजिए, ये आप रब कर दें। अब देखें आप, x टू द पावर 5 a टू द पावर 5 x माइनस a, और लिमिट क्या है? तो लिमिट होना चाहिए x टेंड्स टू a, मतलब दिस शुड टेंड टू दिस, ये इसकी तरफ जाना चाहिए, ये इसकी तरफ जाना चाहिए, पर यहाँ तो क्या जा रहा है, x जीरो की तरफ जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, उसको ऐसा लिख लेते हैं, लिमिट 1 प्लस x टेंड्स टू 1, दोनों साइड क्या कर दिया, ऐड 1 कर दिया, तो ये उसके जैसे ही बन गया। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल? यस इट इज़ पॉसिबल, ये 1 इक्वल टू के जैसे ही काम करता है। अब ये क्या बन गया आपका, 1 प्लस एक्स, दिस टेंड्स टू व्हाट, दिस टेंड्स टू दिस, दिस टेंड्स टू व्हाट, दिस टेंड्स टू दिस, दिस टेंड्स टू दिस, तो सब कुछ उसके जैसा हो गया। लेकिन आपको और अगर क्लैरिटी लाना है, अगर आपको थोड़ी सी समस्या लग रही है इसमें, तो ईजिली अगर ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसको इस तरीके से समझें आप कि हमने 1 प्लस एक्स को कैपिटल एक्स लिख लिया, तब ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 1। अब आप ये रिजल्ट लगा सकते हो, तो ये रिजल्ट आप लगाओगे तो ये जाएगा 5 इंटू 1 टू द पावर 5 माइनस 1 विच इज 5। देयरफॉर द क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 5 है। तो ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि दोनों चीजें 5 है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी ये 6th क्वेश्चन था, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 6 एंड आंसर इज 5। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑनवर्ड। तो 7 और ऑन आगे की सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x square minus x minus 10 upon x square minus 4। अब सबसे पहला हमारा ये रिजल्ट हम बाद में यूज़ करेंगे, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हमें x की जगह 2 रखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल पुट x इज इक्वल टू 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो दोनों में रखेंगे तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 माइनस 2 माइनस 10 0,
0/0 इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसमें से ये एक है, तो इट शुड बी अवॉइडेड। इसको आपको पता लगाना है कि ये क्या होता है, तो इट कैन बी एनीथिंग, और दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन एनी अदर वीडियो, लेकिन अभी आप इसको अगर चाहें तो कैलकुलेटर से एक बार ट्राई कर लें, तो यू विल कम टू नो दैट सम प्रॉब्लम इज देयर इन दिस 0/0। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस बाय मेकिंग फैक्टर्स एंड कैंसलिंग समथिंग, और कैंसिल क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। 3x square, 3 10 कितना 30, तो इसका कैसे लिखेंगे, -6x + 5x, क्यों 6 5 30, -6x + 5x क्या बन जाएगा आपका -x, -10 अपॉन में आ जाएगा x² - 4, x² - 2। अब आप इसको फैक्टराइज कर ले, तो फैक्टराइज करना बिल्कुल आसान है, लिमिट x → 2, 3x कॉमन ले लेंगे तो x - 2, 5 कॉमन लेंगे तो x - 2, और अपॉन में आ जाएगा x - 2 x + 2। फिर क्या करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x → 2, x - 2 कॉमन ले लो पूरे में से, 3x + 5 अपॉन x - 2 × x + 2, तो ये कैंसिल कर दें x - 2 से x - 2, और यहाँ x की वैल्यू डाल दें, तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 + 5 11, और यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 4, तो इसका आंसर आ गया 11/4। ये इसका अप्रॉक्स आंसर होता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है, तो ऐसा लगता है बच्चों को कि x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करना जैसा दिखता जरूर है कि हमने सब्स्टिट्यूट किया, पर वो उस एक्सप्रेशन का एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है, वो उस इस एक्सप्रेशन का एग्जैक्ट आंसर, x की जगह 2 रख के तो कोई निकाल ही नहीं सकता, पर जब x 2 की तरफ बढ़ता है इधर से या उधर से, दो तरफ से, ये 2 है, इधर से भी बढ़ सकते हैं, इधर से भी बढ़ सकते हैं, लेफ्ट साइड से इधर से बढ़ते हैं, तो इसको ये मेरे लेफ्ट हैंड पे आप, पर आपके लिए उस तरफ से होगा यूं, तो इधर से अगर आते हैं तो इसको राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, सॉरी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्सट्रीमली सॉरी, कन्फ्यूज हो गए थे दो पार्ट को लेकर डेरिवेटिव्स को, तो डेरिवेटिव्स नहीं है यहाँ पे, डेरिवेटिव्स भी इसी तरीके का होता है, तो इधर से आएंगे तो राइट हैंड लिमिट, इधर से आएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, विच आई हैव डिस्कस्ड, अच्छे से डिस्कस किए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के क्वेश्चंस और देखेंगे। तो उसका क्या मतलब है, तो उसका ये मतलब है कि 2 नहीं रखना, 2 के इधर की कोई भी करीब करीब की वैल्यू, 2 इधर की तरफ 2 से 2 के लिए आ रहे हैं 0 1 1.1 1.2 1.3 1.9 1.99 1.99 1.99999 तक, पर 2 नहीं रखना आपको, उधर से आएंगे तो आप उधर से कम करते हुए आएंगे, पहले इधर 3 रहेगा, फिर 3 से कम करेंगे तो आपको आएगा 2.5 2 1.9 1.7 1.6 1. लिमिट क्या है इसका 2 है, तो वह वहाँ पर आएंगे 3 से कहाँ तक आएंगे हम 3.5 तक आएंगे, फिर कहाँ तक आएंगे 3.4 तक आएंगे, 3.3 तक आएंगे, 3.1 तक आएंगे, फिर और करीब करीब आएंगे किधर तक आएंगे 3 पर आएंगे, फिर 3 के बाद सॉरी 3 से चालू हुए हम ओके एक्सट्रीमली सॉरी उल्टा हो गए, जब हम 3 से चलेंगे तो 3 से जब इधर आएंगे तो 3.5 नहीं आएगा 2.5 आएगा, 2.5 2.4 2.3 2.5 3 के बाद 2.2 2.1 और करीब करीब आते जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली 2 पर नहीं आएंगे, 2 के करीब करीब आएंगे, तो दोनों तरफ से जब हम आते हैं तो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाती है 11/4 आ जाती है। तो ये हो गई इसकी वैल्यू, इसकी बात क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिमिट x → 3 x^81 2x² - 5x - 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की वैल्यू जब 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू जब हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो देखेंगे क्या होगा,
तो हो जाएगा 3^4 माइनस 81, तो ये 0 हो गया। अपॉन में देखो, अपॉन में कितना हो गया, 2 × 3² माइनस 5 × 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 × 9 18, 18 माइनस 15 3, 3 माइनस 3 0, तो ये 0/0 आ गया, 0/0 आ गया। तो इसको फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, इसको लिखा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9² अपॉन 2 × 3 = 6, तो इसको स्प्लिट अप करेंगे हम, 2x² माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 3 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के कंसेप्ट से। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 x² माइनस 9 x² प्लस 9 अपॉन में 2x कॉमन ले ले, x माइनस 3 प्लस x माइनस 3। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा। अब और चलते हैं आगे की तरफ, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं x² माइनस 3² लिख के, x माइनस 3 x प्लस 3 x² प्लस 9 होल अपॉन, इसमें से कॉमन आ रहा है x माइनस 3, इसमें से बचेगा 2x प्लस 1, ये इसको कैंसिल कर दिया। अब आप कह सकते हो कि अगर x की वैल्यू 3 थी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर x की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पे 3 रखो, और हमने जब 3 रखा तो 0/0 आया, 0/0 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से निकाली, जो कि आपको पता चला कि सम एरर इज देयर, कैलकुलेटर से भी 0/0 की वैल्यू नहीं निकल सकती, इट इज़ कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको अनिश्चित रूप कहते हैं। फिर आप यहाँ पे कहते हैं कि हमने यहाँ पे x को इससे कैंसिल कर दिया और x की जगह अब हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 + 3 3² प्लस 9 अपॉन 2 × 3 + 1, लेट्स कैलकुलेट इट फर्स्ट, फिर हम बाद में करेंगे, 3 + 3 = 6 6 और 9 + 9 9 + 9 18, तो 6 × 18 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 × 3 + 1 7, तो ये इसका आंसर है। कहने का मतलब है, क्या इज दिस आंसर ऑफ दैट, यस इट इज द आंसर ऑफ दिस होल, इसका यहां से लेके यहां तक का आंसर है ये। तो आखिरी में हमने x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट किया, यस वी हैव सब्स्टिट्यूटेड x = 3, बट इस एक्सप्रेशन का, माइंड इट, आपको मैं फिर बताता हूं, इस एक्सप्रेशन का वो वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर इस एक्सप्रेशन में x = 3 रखने को कहेगा तो nobody can calculate its exact value, इसकी exact value कोई भी नहीं निकाल सकता। लेकिन यहाँ पर we are told, हमको कहा गया है कि x 3 नहीं है, means you are not supposed to substitute x = 3, x की value 3 नहीं रखना है, 3 के आसपास रखना, 3 is this, let's say this is 3, तो 3 के आसपास कौन होगा, 3 के आसपास 2 तो थोड़ा दूर है, तो 2.53 के आसपास होगा, यस 2.6 और आसपास होगा, 2.7 2.8 2.9 2.999, तो जब आप इसकी वैल्यू 2.999999 रखेंगे तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 18/7, चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट डाल दें, आप ये कैंसिल नहीं भी करेंगे और आप ये वैल्यू डायरेक्ट भी डालेंगे 2.99999, कितना भी ले लेंगे तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, इट्स अप्रॉक्स वैल्यू विल बी 6 × 18, वो 6 × 18 इज 108 / 7, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब 3 ये है, 3 ये है, अब 3 के हम किधर से आए थे, इधर से आए थे, आपके लिए वो मेरा राइट है पर आपका लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ से मूव किया था, इसलिए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। अब अगर 3 की तरफ इधर से आते हम,
इधर से आते हैं, तो ये थ्री है, जीरो वन टू थ्री, इधर क्या आएगा फोर फाइव, तो फोर की तरफ से अगर आप आओगे, यूं आओगे, तो आपका वो राइट हैंड है, इसलिए उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। इधर से ये मेरा राइट है पर आपका लेफ्ट है, इसलिए आपके फेवर में इट इज़ कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। आप उधर से आओ, फोर की तरफ से जब थ्री की तरफ बढ़ेंगे, फोर की तरफ थ्री की से जब थ्री की तरफ बढ़ेंगे मतलब कम होगा तभी आएंगे ना आप इधर, फोर से पहले आप आएगा 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, तो जब आप इसमें 3.1 रखेंगे या 3. और कम उत्तीर्ण के और करीब 0.01 रखेंगे या और करीब, जितना करीब करीब आते जाएंगे उसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, 108/7। चाहे तो आप 3 के इधर की वैल्यू लो या 3 के उधर की वैल्यू लो, लेकिन हाँ अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू 3 की लोगे तो फिर कौन सा फॉर्म आएगा, 0/0। दैट इज वाई आई से कि एक्स 3 की तरफ बढ़ रहा है, एक्स 3 की तरफ बढ़ रहा है, क्या इधर से बढ़ रहा है या इधर से, तो दोनों तरफ से अगर 3 के करीब आएंगे तो दोनों तरफ से जब 3 के बहुत 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 करीब आ जाएंगे तो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, 108/7। तो इसलिए दैट इज़ वाई आई से इस एक्सप्रेशन की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इस एक्सप्रेशन की ये अप्रॉक्स वैल्यू है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होती तो एक्स की जगह 3 रखते तो आंसर 0/0 आता, विच इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसकी बात हम और करेंगे कभी और डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, लेट्स टारगेट क्वेश्चन नंबर 9। होप इट इज़ क्लियर टू यू, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएं। पर ये प्रॉब्लम भी जब ही आएगी, वेन एवर यू विल हैव 0/0 और 0×∞ और ∞/∞ और ∞-∞ और 3 और हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिस पे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके कोर्स में ये 4 हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। तो x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a×0+1 c×0+1। क्या आपने कोई प्रॉब्लम महसूस की? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये क्या है, इज दिस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x=0? हाँ, x=0 पे एग्जैक्ट है, लेकिन हमें जो बोला गया है हमें अप्रॉक्स बोला है, तो अप्रॉक्स भी इतनी है, एग्जैक्ट भी इतनी है। तो ये कभी कभी कोइंसिडेंस होता है कि अप्रॉक्स वैल्यू भी वही होती है जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तो उसमें कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है। तो इसमें आपने देखा कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं आपसे, लिमिट z→1 z^(1/3) -1 z^(1/6-1)। इसमें लिमिट z→1 z^(1)/6 इसको लिख सकते हो आप 1/6×2, क्योंकि 1/6×2 विल बी 1/3 -1 z^(1/6-1)। यहाँ पे इस पे 1 पे स्क्वायर लगा दें और इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो देखिए, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ऐसा बनेगा z→1 z^(1/6-1) z^(1/6+1) अपॉन z^(1/6-1)। ये कैंसिल, जैसे अभी हम हमेशा कर रहे थे। अब z→1 है तो वह एक z की जगह रख देंगे 1^(1/6+1) 1^ मालूम है आपको, एनी रियल नंबर तो उसकी एक वैल्यू 1 है, तो 1+1 इज आंसर 2। सो फाइनली इट्स आंसर इज व्हाट, इट्स आंसर इज 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x→1 ax² + bx + c
अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस थ्री। एक्स किए गए हमें सबसे पहले एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी एक्स किए गए ए डाल दिया, सी प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस ए, ये आपस में कैंसिल होंगे। पर कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी शुड नॉट बी व्हाट, इट शुड नॉट बी जीरो। तो वी आर गिवन इन द क्वेश्चन कि ये जीरो नहीं है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वन। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। देखिए आप आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी समस्या हल होती जाती है, ये इसकी एक बड़ी खासियत है। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस टू, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन टू अपॉन एक्स प्लस टू। अभी अगर हम आप एक्स के लिए माइनस टू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन माइनस टू प्लस वन अपॉन टू, वन अपॉन माइनस टू प्लस वन अपॉन टू जीरो, और माइनस टू प्लस टू जीरो बाय जीरो। तो सम प्रॉब्लम इज देयर, और इसको ओवरकम करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस टू, एलसीएम ले लें आप, टू प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू टू अपॉन एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू को कैंसिल कर दें। अब कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा क्या, तो ध्यान से देखो, न्यूमरेटर इज कम्प्लीट बिकॉज इट इज हैविंग समथिंग इन डिनोमिनेटर, ये इनकम्प्लीट है तो इसके अपॉन में वन लिख लो, तो आपको समझ में आएगा कौन कहाँ जाएगा। वन ऊपर जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस टू किससे मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे वाले से होगा। तो आपके पास क्या आउटकम आएगा, आपके पास जो आउटकम आने वाला है वो ये है, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस टू एक्स प्लस टू और टू इंटू एक्स, वन ऊपर मल्टीप्लाई होगा इससे, नीचे रहेगा आपके पास एक्स प्लस टू, आप कैंसिल कर दें, और एक्स टेंड्स टू क्या है, माइनस टू है, तो वन अपॉन टू इंटू माइनस टू इंटू है यहाँ पे बीच में, तो वन अपॉन क्या आ जाएगा आंसर, माइनस फोर, मतलब आपका आंसर होगा माइनस वन बाय फोर। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी माइनस वन बाय फोर। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं, लेकिन 13th में दोस्तों एक स्टैंडर्ड लिमिट लगेगी, वो लिमिट आप याद कर लें। वो लिमिट क्या है, वो लिमिट है एक्स टेंड्स टू जीरो, या थीटा की टर्म्स में समझ लें आप उसको, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू होगी वन, साइन थीटा बाय थीटा और थीटा टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू आपकी होगी वन होगी। तो ये लिमिट आप अगर ध्यान रख लेंगे तो आपका बहुत आसान काम हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन, इसका भी प्रूफ है, इवन इट हैज़ इट्स प्रूफ। तो उसके लिए हमें, अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप साइन एक्स की सीरीज लगाना पड़ेगी, वो सीरीज ये होती है थीटा माइनस, बहुत आसान है, दो लाइन की बात है इसलिए मैं लिख देता हूँ, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री, थीटा फाइव टू द पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस अप टू इन्फिनिटी। अब इसके अपॉन में थीटा है तो सबके अपॉन में थीटा लिखो, ये हो जाएगा वन माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल थ्री, यहाँ हो जाएगा थीटा टू द पावर फोर बाय फैक्टोरियल फाइव एंड सो ऑन। और ये लिमिट कितनी है आपकी, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो है, यहाँ ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, आगे आने वाले सब जीरो हो जाएंगे, आपके पास क्या बच जाएगा वन। तो ये इसका प्रूफ था, आप इसको याद रखेंगे और हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है, कंटिन्यूटी में डिफरेंशिएबिलिटी में इसका काफ़ी यूज है। मैं बार बार नंबर्स भूल जाता हूँ कि कौन से नंबर में हम, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे हैं हम। लिमिट
x टेंड्स टू जीरो, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल है इसमें सबसे खास बात है, ये किसकी तरफ जाना चाहिए, एंगल टू टेंड्स टू जीरो। जो यहाँ लिखा है द सेम थिंग शुड बी हियर, यहाँ पर क्या है, एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो इवन इट टेंड्स टू जीरो, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ भी ए एक्स होना चाहिए, यहाँ बी एक्स है, तो एक लाइन का काम है साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। ये ए कहाँ से आया और ये बी कहाँ गया, तो ये बी गया यहाँ, तो ए डिवाइड किया तो ए मल्टीप्लाई कर दो, अब आपका रिजल्ट हो गया ये। लिमिट कितनी है आपकी, x टेंड्स टू जीरो, तो ये आ जाएगा आपका a बाय बी इंटू वन। इसकी वैल्यू उस रिजल्ट से क्या हो जाएगी, a बाय बी इंटू वन, तो आंसर हो गया आपका a बाय बी। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, ये क्वेश्चन है आपका, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, बी इज नॉट वॉट, बी इज नॉट जीरो। तो ये क्वेश्चन के लिए वही रिजल्ट लगेगा जो हमारे पास था, पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन ए एक्स है, तो इसके डिनोमिनेटर में रिजल्ट लगाना है तो यहाँ होना चाहिए ए एक्स, फिर साइन क्या है नीचे बी एक्स, इसमें रिजल्ट लगाना है इसलिए क्या होना चाहिए यहाँ पे बी एक्स। अगर हमने ए एक्स से डिवाइड किया है तो मैंने बिना सोचे हुए ए एक्स से मल्टीप्लाई, बी एक्स से डिवाइड है तो बी एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कंप्लीट। लिमिट ऊपर की अलग हो जाएगी और नीचे की अलग हो जाएगी, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है, और लिमिट में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, तो आप ध्यान रखना, ऊपर की अलग नीचे की अलग, प्लस में अलग माइनस, मतलब दो अगर बीच में प्लस में है तो दोनों की अलग अलग, माइनस में है तो अलग। मैं वो रिजल्ट भी लिख देता हूँ आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर यहाँ पे लिखा है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो दोनों की लिमिट अलग अलग हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, इसी तरीके से इनटू में भी अलग हो जाती है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इनटू g ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इनटू इनटू यहाँ पे जगह इनटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, और अगर अपॉन में होंगे तो अपॉन में भी लिमिट सेपरेट हो जाएगी, तो अपॉन में भी लिमिट सेपरेट हो जाती है, पावर के केस में भी ऐसा ही है। तो ये वाला हमने फार्मूला लगा दिया था इस पर, इसलिए आपका ये रिजल्ट जो था 14 क्वेश्चन में कौन से लिमिट का रूल लगाया था वो समझ लें आप, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये ऊपर नीचे की लिमिट्स अलग अलग हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, और नीचे की हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a जी ऑफ एक्स। जब x इसमें x की जगह a रखेंगे तो g ऑफ a हो जाएगा, तो g ऑफ a शुड नॉट बी व्हाट, इट शुड नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये लिमिट ऊपर की अलग नीचे की अलग हो गई थी, तो जो हमारा 14 क्वेश्चन था उसमें भी हमने ऊपर की अलग कर दी थी, ऊपर की हो गई थी आपकी लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, और ये उस रिजल्ट से साइन थीटा अपॉन थीटा से वन हो गई, ये भी लिमिट ऊपर नीचे की अलग हो गई साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, ये भी आपका कितना हो गया, यहाँ बी एक्स है यहाँ बी एक्स है और ये जीरो की तरफ जा रहा है, इंटू ए था एक्स से एक्स कट गया था इंटू बी था, तो ये हो गया वन इंटू ए और वन इंटू बी।
आंसर हो गया आपका ए बाय बी। और इसमें रिजल्ट कौन सी, कौन सा रिजल्ट का यूज़ किया हमने, तो इसमें हमने रिजल्ट ये यूज़ किया है, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इज व्हाट, इट इज वन। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इज वन, ये हमने रिजल्ट का यूज़ किया था। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 14th। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 इससे मिलता जुलता ही है, देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड यू विल एंजॉय दिस। लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में जब x की वैल्यू किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट की तरफ मूव करे तो आप इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, x इज इक्वल टू पाई प्लस y टाइप का सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लें। अगर आपने ये सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए यूज़ कर लिया तो आपको देखिए क्या क्या होने वाला है और आपका आंसर कैसे कैसे आने वाला है। अगर x टेंड्स टू जीरो नहीं है तो इस टाइप के केसेस में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट पाई प्लस वाई टेंड्स टू पाई, और यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई प्लस वाई होल अपॉन पाई इंटू पाई माइनस पाई प्लस वाई, ये हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। इधर क्या होगा, ये रिजल्ट है स्टैंडर्ड, इसका यूज होगा, इसलिए मैं अभी इसको रन नहीं करता। इज इक्वल टू लिमिट, ये पाई से ये पाई कैंसिल जीरो, तो लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो, ये साइन माइनस वाई है बाहर आ जाएगा, माइनस साइन वाई हो जाएगा, अपॉन में कितना है पाई इंटू माइनस वाई, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई वाई। और अगर ये रिजल्ट लगाया हमने तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि साइन ऑफ वाई अपॉन वाई विल बी व्हाट, यूजिंग दिस वाई शुड टेंड टू व्हाट, ये जीरो की तरफ जाना चाहिए, जो यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए, तो सेम थिंग इज देयर, ये जीरो की तरफ जा रहा है, जो यहाँ है वो यहाँ है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये वैल्यू हो गई वन, वन अपॉन पाई इज व्हाट वन अपॉन पाई। तो दिस वॉज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स मूव अहेड और हम देखें कितना शानदार तरीका है सबका, और मैथमेटिक्स की ब्यूटी देखें आप कि सारी चीज़ें एवरीथिंग इज लिंक्ड, सब कुछ लिंक्ड है आपस में और सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं दोस्तों, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, तो सबसे प्राइमा फेसी तो हम वही रखते हैं, एक्स की जगह जीरो रख देते हैं, तो ये बन जाता है कॉस जीरो अपॉन पाई माइनस जीरो, कॉस जीरो इज कॉस जीरो डिग्री विच इज वन, वन अपॉन पाई, तो ये इसका आंसर है वन अपॉन पाई। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 नाउ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस टू एक्स माइनस वन, ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स के लिए बड़ी यूजफुल एक्सरसाइज है और मैंने देखा कि स्टूडेंट्स यूज टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और अगर आपको एक सिंगल शॉट में ये पूरी एक्सरसाइज का एक जो कॉन्क्रीट है एक एक्सट्रैक्ट है, मैं नहीं कहता कि यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन लिमिट्स थ्रू दिस एक्सरसाइज ओनली, बट यू कैन गेन अ लॉट थ्रू दिस एक्सरसाइज, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिल सकता है। तो देखिए इसमें हम सीखते हैं दोस्तों, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस कॉस टू एक्स, नीचे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस कॉस एक्स। अब एक एक्सरसाइज एक फॉर्मूला है, वन माइनस कॉस टू थीटा इज वॉट टू साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से, दैट विल बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इसको आप इससे कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका
लिमिट x टेंड्स टू जीरो टू साइन स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका टू साइन स्क्वायर x बाय टू, टू साइन स्क्वायर x बाय टू, यूजिंग दैट टू से टू को कैंसिल कर दें। अब आपके पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दोनों को क्लब कर दें, तो दोनों को क्लब करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन साइन x बाय टू होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे चाहें तो साइन x की आइडेंटिटी लगा दें, टू साइन x बाय टू कॉस x बाय टू, या अगर आप वो लिमिट का रिजल्ट यूज़ करना चाहते हैं तो इवन दैट कैन बी यूज, उसको यूज़ करना हो तो फिर कुछ नहीं करना, फिर साइन x के अपॉन में मालूम है आपको क्या होना, x होगी, और साइन x बाय टू के अपॉन में क्या होना, साइन x बाय टू के अपॉन में x बाय टू होना। तो x बाय टू लिख देता हूँ मैं, x बाय टू से ही डिवाइड और x बाय टू से ही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, सेम थिंग इज हियर, x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, स्क्वायर इसमें है तो आप स्क्वायर लगा दें, स्क्वायर आप लगा दें। अब कौन कौन किससे कट रहा है, ये इससे कटने को तैयार है तो ये इसको इससे काट दे। आप ध्यान से देखें ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वन इन टू, इसको कैंसिल किया तो ये चाहो तो आप वन लिख दो, अपॉन में वन इन टू वन बाय टू होल स्क्वायर। अब ये वन बाय टू स्क्वायर, ये वन बाय टू ऊपर आएगा तो टू हो जाएगा, टू का स्क्वायर क्या बन जाएगा, फोर बन जाएगा, तो इसका आंसर आपका फोर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए आप देखते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत मैंने जैसा आपको कहा कि कितना सिंक्रोनाइज्ड है, और मैथमेटिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट, और देयर में बी फ्यू मोर सब्जेक्ट्स इन विच यू एन्जॉय अलॉट, और मैंने महसूस किया है कि मैथमेटिक्स को खूब पढ़ो पर थकान सी नहीं आती, और नई नई चीज़ें आती हैं, छोटे छोटे से चैलेंजेस आते हैं, करने में मज़ा आता है, और टाइम का पता ही नहीं चलता। x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस cos x, यहाँ पर क्या है b sin x, तो आपको मालूम है वो रिजल्ट, साइन थीटा अपॉन थीटा इज वन व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, इसके अपॉन में x लिख दें, और यहाँ पे भी आप क्या लिख दें x। हाँ, सबसे पहले आपको x की जगह जीरो रखना पड़ेगा, हमने वो चेक नहीं किया, आप इस बात को ज़रूर से देख लें कि जीरो अपॉन जीरो हो रहा है या नहीं, अगर ये जीरो अपॉन जीरो नहीं हो रहा है तो फिर जो आंसर है वही रहेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इफ इट इज नॉट जीरो बाय जीरो देन व्हाटसो एवर वैल्यू इज देयर दैट विल बी योर आंसर, जो भी आपका आंसर आ रहा है वही आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा, कब, जब ये जीरो बाय जीरो नहीं है। जैसे जीरो बाय फोर आ रहा है आंसर तो इट विल बिकम जीरो, फाइव बाय जीरो, फोर बाय जीरो, सेवन बाय जीरो आ रहा है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। पर हाँ, प्रॉब्लम कब आएगी, जब जीरो बाय जीरो, जीरो इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और अपॉन इनफाइनाइट, और तीन फॉर्म में कभी डिस्कस करेंगे, सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, देर आर सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, सेवन में से ये चार लिखें जो आपके कोर्स को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आते हैं, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट x टेंड्स टू जीरो x sec x, तो आप x की जगह जीरो रख दो, सबसे पहले तो यही करना रहता है, जीरो इज जीरो, sec जीरो इज व्हाट, वन, cos जीरो का उल्टा cos जीरो वन, तो उसका वन अपॉन वन, तो वन, तो ये जीरो इंटू वन इज व्हाट जीरो, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं डिस्कस 19 के बाद आपको मालूम है कि 20th आएगा, 20th के बाद 21st, 22nd एंड सो ऑन, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x प्लस बी एक्स होल अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। तो जो हमने अभी इसके जैसा मिलता जुलता सवाल किया था
वो क्वेश्चन नंबर 18 था, उसी के जैसा इसका कंसेप्ट है। लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा साइन ax अपॉन x प्लस b, नीचे भी x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा आपका a प्लस साइन bx अपॉन x। x से x को क्या कर देंगे अपन, कैंसिल। अब आपको मालूम है साइन थीटा अपॉन थीटा वन होता है, पर हाँ होता वन है, यहाँ ए एक्स है यहाँ एक्स है, तो अब हम यहाँ पे a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ साइन थीटा अपॉन थीटा बनाने के हिसाब से b से डिवाइड और b से मल्टीप्लाई, ये भी क्या बन जाएगा हमारा वन, ये भी हमारा क्या बन जाएगा वन, तो हो जाएगा a इंटू वन प्लस बी, ए प्लस बी इंटू वन, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, और इसमें हमें दिया नहीं है ना, शायद उन्होंने मिस नहीं दिया है, वी आर गिवन ए प्लस बी इज नॉट जीरो, सो ए प्लस बी इज नॉट जीरो, ये भी दिया हुआ है हमको और ये भी दिया हुआ है आगे कि ए और बी भी जीरो नहीं है, तो इट्स नॉट एन इश्यू, आप इससे इसको कैंसिल कर देंगे, यू विल फाइंड योर आंसर, आंसर इज वॉट, इसका आंसर होगा आपका वन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21 नाउ, क्वेश्चन नंबर 21 है लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x। तो अब वही बात आ गई, cosec 0 भी इनफाइनाइट होता है और cot 0 भी क्या होता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट उसकी वैल्यू क्या होगी, तो गॉड नोज उसकी वैल्यू क्या होगी, कोई नहीं जानता। अब हमने इसका डिस्कशन भी इन्फिनिटी वाली लिमिट के वीडियो में किया है, आप उसको देखें, ट्यून्ड रहें, साथ साथ जुड़े रहें, साथ साथ बने रहें। तो हम अभी क्या करेंगे, तो टू ओवरकम दिस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कोसेक एक्स को लिख दें 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, चाहें तो आप हाफ एंगल का यूज कर ले, रिजल्ट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, जैसा हमने अभी पिछले किसी क्वेश्चन में किया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर वो क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 17 में किया था, या फिर आप एक आसान और सस्ता तरीका हो रहे इसको रैशनलाइज कर दें, तो आप दोनों चीज़ें समझ लें ताकि आपको भविष्य में काम आएगी। तो आप ये समझें कि न्यूमरेटर रैशनलाइज होता है क्या, यस इट कैन बी, तो आपने बोले हमेशा डिनोमिनेटर देखा होगा है ना, कुछ ने देखा भी होगा न्यूमरेटर को, तो इवन न्यूमरेटर कैन बी रैशनलाइज्ड, तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस प्लस कॉस एक्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब वही प्रॉब्लम जगह की, अब लिखना पड़ेगा ऊपर इसको मिटा के, तो ये इसको मिटा के यहाँ लिख देते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आपको मालूम ए साइन एक्स से साइन एक्स काट देना, आपके मन में एंग्जाइटी उत्सुकता होगी, x की जगह 0 रख दो, साइन 0 अपॉन 1 प्लस कॉस 0, साइन 0 इज 0 कॉस 0 इज 1, तो ये 0 अपॉन 2, तो ये 0 बाय 0 नहीं है, तो इसलिए जो इसका आंसर है वही आंसर है, तो इसका आंसर कितना है 0। तो कई होशियार ऐसे कह सकते हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा था या कह रही थी इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट क्या 0 नहीं, फॉर्चुनेटली ऐसा कोइंसिडेंटली हो रहा है पर इट इज़ नॉट ट्रू, इसलिए आप बचिएगा, इसी से आपको करना पड़ेगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज़ नॉट डिफाइंड, आप चाहें तो गूगल करना चाहें तो गूगल कर लें। अब 21 के बाद आपकी गिनती बहुत अच्छी है, आपका कैलकुलेशन आपकी टेबलिंग बहुत बढ़िया है, तो 22 आएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 टेन टू एक्स
अपॉन आएगा आपके पास x माइनस पाई बाई टू। तो मैंने आपको कहा था कि x टेंड्स टू जीरो नहीं है, तब क्या करेंगे आप? तो अगर x टेंड्स टू जीरो नहीं है, x टेंड्स टू समथिंग है, तो आप एक काम करो, x की जगह रख दो पाई बाई टू प्लस y। तो ये आपका बन जाएगा लिमिट पाई बाय टू प्लस वाई टेंड्स टू पाई बाय टू, टेन टी एन टेन टू टाइम्स पाई बाय टू प्लस वाई अपॉन पाई बाय टू प्लस वाई माइनस पाई बाय टू। ये इससे कैंसिल, इधर इससे इसको कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा जीरो। लिमिट y टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा टेन, टू को अंदर जाने दें, तो हो जाएगा पाई प्लस टू वाई अपॉन में कितना y। लिमिट y टेंड्स टू जीरो, टेन पाई प्लस थीटा, टेन गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव, और पाई है तो नेचर विल रिमेन सेम, टेन पाई प्लस टू वाई रिमेन टेन माइनस सॉरी टेन पाई प्लस टू वाई विल बी माइनस टेन टू वाई अपॉन वाई। अब एक रिजल्ट और है, वो भी अगर आप याद कर लो, आता हुआ उसी से, टेन थीटा अपॉन थीटा इज व्हाट? इट इज वन। आता साइन थीटा अपॉन थीटा से ही है, कैसे आता है देखते हैं अपन, साइन थीटा अपॉन थीटा से कैसे आता है। तो देखो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा बाय थीटा तो मालूम आपको क्या बन जाता है, वन हो जाता है। अबाउट कॉस थीटा, तो ये हो जाता है कॉस जीरो, इधर वैल्यू रख देते हैं वन अपॉन वन, तो वन अपॉन वन कितना हो गया वन, तो ये टेन थीटा बाय थीटा भी वन होता है। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं उस रिजल्ट को, द सेम रिजल्ट कैन बी यूज ओवर हियर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड। तो ये आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा वन। और दोस्तों चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये सब मेहनत देश बनाने की है, और आप हो तो देश है, और आप आगे बढ़ेंगे देश आगे बढ़ेगा। तो इसका आंसर आपने देखा माइनस टू है, इसका आंसर आपने देखा माइनस टू है। और अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।